काशीपुर में बॉर्डर पर शादी करने का सिलसिला लगातार जारी है। यही कारण है कि कई लोग बॉर्डर पर विवाह को संपन्न कर रहे हैं और प्रशासन का भी इसमें खास सहयोग देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर एक बार फिर विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद दूल्हा अपने दुल्हन और परिवार वालों के साथ सरकारी अस्पताल में पहुँच गया, जहाँ चिकित्सकों ने सभी का मेडिकल परीक्षण कर उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया है। बता दें कि काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ी निवासी अजय सिंह का विवाह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के ग्राम मड़िया निवासी अलका के साथ तय हुआ था। दोनों का विवाह 2 मई को संपन्न होना था। चल रहे लॉकडाउन की वजह से बॉर्डर पर ही दोनों की शादी मंदिर में करा दी गई, जिसके बाद दुल्हन अपने ससुराल जाने की बजाय सीधे बाइक से अपने पति और उसके परिजन के साथ काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय पहुंची, जहां पर मौजूद कोविड-19 रिस्पांस टीम द्वारा दूल्हा दुल्हन का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके बाद दोनों के हाथों पर होम क्वारंटाइन की मोहर लगाकर तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा होम क्वारंटाइन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी तथा दिशा निर्देश दिए गए। इसके पश्चात दुल्हन अपने पति और उसके परिजन के साथ बाइक पर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। वहीं बॉर्डर पर हुई शादी का पुलिस प्रशासन द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया। देखिए, ये आईटीआई थाने क्षेत्र के अंतर्गत बरखेड़ी गाँव का मामला है। इसमें लड़का बरखेड़ी का रहने वाला है, लड़की सिवहारा गाँव की है। बॉर्डर पर इनकी शादी हुई है। चूँकि लड़की दूसरे राज्य से आ रही है और वो जो जनपद हैं यूपी के, वहाँ कोरोना के केसेस हैं, इसलिए उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया। उसके बाद जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको होम क्वारंटाइन किया हुआ है। पुलिस इसमें देख रही है कि भाई ये क्वारंटाइन का नियम ना तोड़ें।